बजट हम नवयुवक के लिए सरल और सस्ता बाजार के लिए मद्दी के तौर पर हम लोग को रोजगार मिले, अच्छे लोगों के साथ हम लोग बैठते उठते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से रहना चाहता हूँ। इतनी महंगाई की दौर पे प्याज की दाम इतना ज़्यादा है, 70 रुपये 75 रुपये किलो चल रहा है। इस बजट में थोड़ा से राहत रहेगी तो हमारा आगे बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस तरीका भी बढ़ेगा, जो नौजवान है हमारे बीच के वो बिजनेस अपने रोजी रोजगार भी जुटेंगे। ये आर्थिक मंदी में ट्रेन को जो प्राइवेट कर दे रहे हैं वो थोड़ा सा उसके लिए सुधार लावें, जो प्राइवेट में हो जाना तो उससे बजट में उसमें किराया और रहना बढ़ावें। और इतनी ज़्यादा तंगी के काल में नवयुवक और नौ लड़कियों के लिए कोई बजट ऐसा हो कि हम लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। आज लगातार कई बार वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बजट पेश किया और लगातार देश और प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कुछ देगी, लेकिन आज तक का इनका पूरा का बजट झूठा रहा। इन्होंने जो कहा आज तक उसको उन्होंने ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया। अब पूरे देश की जनता इस बात को निराश है, ना उनकी बजट की तरफ देखना चाहती है, क्योंकि जितनी भी सरकारी संस्थाएं थे लगातार बेच रहे हैं, बैंक घाटे पे जा रहा है। तब इस सरकार से देश और समाज के प्रदेश की किसी भी जनता को कोई उम्मीद नहीं है, ना ही इनके पास कोई गाँव के लिए कोई बजट है। ये सिर्फ धोखा और धोखा देने के अलावा कोई काम ये सरकार नहीं कर रही है। देखिए, बजट जो भी आप पेश करेंगे, आपकी नीति क्या है उस पर निर्भर करता है। तो इनकी कोई ऐसी नीति बनी ही नहीं है कि जो मंदी आई है उसका कोई उपाय हो, उपचार हो। तो जब इन्होंने कोई उपचार के लिए कोई नीति बनाई ही नहीं है तो बजट निश्चित रूप से ये जन विरोधी होगा और ये और मंदी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ ढकेलेगा। बजट से तो काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे लास्ट ईयर का भी बजट बहुत अच्छा था, मतलब ऐतिहासिक बजट था, और इस बार भी जो बजट आएगा मुझे लगता है कि वो अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का जो प्रयास है उसके ऊपर ये फोकस होगा। और मुझे जो लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि इस बार बेरोजगारों के लिए कुछ स्पेशल स्कीम आएगी, स्टार्टअप के लिए कुछ अलग से फंड दिए जाएंगे, और मुझे लगता है एजुकेशन में और स्टार्टअप में ज़्यादा फोकस रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करनी है 2022 तक, वो लक्ष्य है, अभी 2 साल बचा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। तो 3-4 पॉइंट है जिसमें ज़्यादा फोकस रहेगा, और $5 ट्रिलियन का जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको ये अभी से बेस बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2022-23 तक ये जो है 3.5 लाख की जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है क्रॉस कर जाएगी 2023-24 तक। जी, मेरा नाम धर्म प्रकाश पांडे है, कानपुर।